और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 95 छात्र परिजनों के साथ सरकार भी चिंतित है। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के 95 छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। छात्रों को लेकर सीएम धामी ने NSA अजीत डोभाल से भी बातचीत की है और लगातार उत्तराखंड के इन सभी जो है छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय से भी लगातार सीएम धामी संपर्क में हैं, लगातार बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में यहां पर जो है उत्तराखंड के 95 छात्र हैं जो वहां पर फंसे हैं और लगातार जो है छात्रों को वापस लाने की यहां पर रणनीति को लेकर अफसरों के साथ सीएम धामी बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। ताकि यहां पर किस तरह से यूक्रेन में फंसे यहां पर उत्तराखंड की 95 छात्रों को वापस लाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि 95 छात्रों के यहां पर परिजनों के साथ साथ अब सरकार भी चिंतित है और लगातार यूक्रेन से यहां पर छात्रों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों को लेकर सीएम धामी ने NSA अजीत डोभाल से भी बातचीत की है।